गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं बताने वाली हूं आप सबको मनी मिरेकल, कैसे आप अपनी लाइफ में मनी को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें, है ना मजेदार। तो उससे पहले बता दूं दोस्तों कि मैं सुनीता एसडी काबरा, आपकी अपनी दोस्त, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर। आज आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करें। हम सब जानते हैं दोस्तों कि पैसा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ है। बिना इसके कुछ भी करना संभव नहीं हो पाता। हर घर से निकलते ही सबसे पहली चीज की जो जरूरत होती है, हम अपना पर्स संभालते हैं। तो ऐसे केस में और आजकल लॉकडाउन के बाद जो थोड़ी सी सिचुएशंस चेंज हुई है, उसमें लोगों की कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन पे इसका इम्पैक्ट आया है। बहुतों का पैसा फंस गया है, किन्हीं का पैसा कहीं पे लग गया है तो वो लिक्विडेट नहीं हो पा रहा, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी जॉब छूट गई है उनको नई मिल नहीं पा रही है, जहाँ पर जो कर रहे हैं वहाँ पे उनके उनकी अर्निंग कम हो गई है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो लोग रोज़ मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने न्यूमरोलॉजी वाले पार्ट को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैंने सोचा कि बीच में मैं एक वीडियो मनी अट्रैक्शन का डाल दूं, ताकि आप इसका, जब तक मैं आप ये चलेगा, आप अगर दिल से करोगे तो आप इसका इम्पैक्ट देखोगे कि आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मिरेकल होते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स के साथ कुछ एंजल नंबर्स बताने वाली हूँ, जो दोस्तों लाइफ में बिल्कुल जादुई असर दिखाते हैं, जादुई असर। तो मेरे कई सारे लोग थे, तो फिर मैंने उनको पर्सनल भेजने की जगह मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देती हूँ, ताकि सारे लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल चाहिए, कुछ गॉड का एक स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए, तो आप लिख सकते हो टुगेदर डिवाइन अराउंड। फिर से रिपीट कर रही हूं, टुगेदर डिवाइन अराउंड। इसे आप चैंट भी करें और अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिख कर भी रखें, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो माइंड होते हैं, वैसे ही हमारे जो ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, आप अपने लेफ्ट हैंड से जब आप अपने राइट हैंड से जब अपने लेफ्ट हैंड पे ये लिखोगे ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और जिस तरीके से हम, बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या सच में ये काम करते हैं, मैं आपको इन सब के आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अभी आप सब मुझसे क्या क्या पूछने वाले हो। तो टुगेदर डिवाइन अराउंड, ये हमें एक मैजिकल कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। गॉड एक मिरेकल के लिए एक एनवायरमेंट तैयार करता है जिसमें आप आगे बढ़ते हो। और इसके साथ ही अगर आप चाहो तो, अगर आपको मेजरेबल कैश, मतलब काउंटिंग में वैसे केवल कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आप लिख सकते हो टुगेदर फाइंड डिवाइन काउंट ऑन नाउ। क्या लिखेंगे? टुगेदर फाइंड डिवाइन काउंट नाउ। ये आपको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है और चैंट करना है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एंजल नंबर्स भी बता रही हूँ। ये एंजल नंबर मनी को जादुई तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मनी मैग्नेट कह सकते हैं इन नंबर्स को। इनका रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा है और मैं चाहती हूँ कि अब इसका फायदा आप सब उठाएं। तो पर उसके साथ साथ मैं पहले एक बात आपको और बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनर्जी से रिलेटेड होती हैं, तो इसीलिए इनमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो मैं आप सबसे कहूँगी, एनर्जी एक्सचेंज में मुझे आपसे कुछ मनी नहीं चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो यही मेरे लिए आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो अभी मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, एंजल नंबर्स, जो मनी मैग्नेटिंग नंबर भी कह सकते हैं, जिनको आप 1996 2
वन वन फोर सेवन, वन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वन नाइन नाइन सिक्स टू फोर सेवन, इसे भी आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं और इसकी चैंटिंग करें। कम से कम कोशिश करें कि दिन में किसी भी समय, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप चाहे सो के उठ, हालांकि सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो सुबह जब हम सो के उठते हैं उस समय या सोते समय, उस समय का जो टाइम होता है ना वो बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस समय हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो डेवलप रहता है। तो अगर उस समय करें तो अच्छा, अदरवाइज आप लाइक कहीं जा रहे हो ट्रैवलिंग के टाइम में, आप गाड़ी में बैठे हो, इवन अगर आप टॉयलेट में भी बैठकर करोगे तो भी, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल एक टेंडेंसी बनी हुई है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम डिस्पोजल के मूड में रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे आप नहा रहे हो धो रहे हो कुछ भी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप हर टाइम एक चैंटिंग मन में इसकी, आप इसको जितने अच्छे वे में, जितने अच्छे रिदम के साथ आप इसको प्रोनंस करोगे, इसको बोलोगे, इसको चैंट करोगे, दिल में करो या बोल कर करो, जैसे भी करोगे, आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप चाहो तो आप इसे अपने मोबाइल में, मोबाइल की स्क्रीन पर भी लगा सकते हो इन नंबर्स को, तो भी ये और ज़्यादा फायदा देंगे और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ जाते जाते जो एक बोनस टिप देने वाली हूँ दोस्तों, कि वो बिल्कुल उसका तो आपको मैं कह नहीं सकती कि कितना अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, कि अगर कहीं पे आपके पैसे ब्लॉक हो गए हैं, मनी रिकवर नहीं हो पा रही है, पैसे अटक गए हैं, जो कि अभी के टाइम में बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पैसे लॉकडाउन के पहले जो सर्कुलेट हुए थे वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा आपको एंजल नंबर दे रही हूँ, 7740969। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 7740969, ये मनी रिकवरी के लिए एंजल वर्ड है। आप इन नंबर्स को चैंटिंग कीजिए, इन नंबर्स को अपने बॉडी पार्ट पे लिखें, आप चाहो तो इन नंबर्स को चार्ज करके वाटर टेक्निक के द्वारा चार्ज भी कर सकते हो, लाइक जहाँ पे आपने लिखा हुआ है उस पेपर के ऊपर इस ग्लास में वाटर रखो, फिर चैंटिंग करो इसको देखकर और उस पानी को धीरे धीरे पियो। आप देखोगे और हर समय आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि नहीं, मेरा पैसा आ चुका है, आ रहा है, मेरा जितना पैसा ब्लॉक हुआ है सारा पैसा आ रहा है। आप उस तरीके से अपने अंदर खुशी फील करो। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि एक गांव में बहुत सूखा पड़ा था, तो सारे लोग त्राही त्राही एकदम हो रही थी कि क्या होगा। तो फिर कुछ पंडितों ने मिलके विचार किया कि एक यज्ञ करवाते हैं हम इंद्रदेव का, तो उस यज्ञ के बाद तो होगी ही होगी बारिश। पूजा स्टार्ट होने लगी, सभी बाहर बैठ करके बहुत बड़े यज्ञ का कहते हैं कि प्रोग्राम किया गया, तो पूजा की तैयारी कर रही थी। एक बच्चा, सारे लोग बैठे थे लेकिन एक बच्चा छतरी लेकर आया और आकर वहाँ बैठा। तो लोगों ने पूछा, तुम ये छतरी क्यों लाए हो? तो आपने ही कहा था ना कि जब हम ये यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, तो बारिश होगी तो मेरे कपड़े भीग जाएंगे, इसीलिए मैं पहले से छतरी लेकर आया हूँ। तो ये होता है विश्वास, अफर्मेशन। जब ऐसा विश्वास हो तो ऊपर वाले को सब कुछ देना ही होता है। तो आप वैसे ही अफर्मेशन जो डालना है वो हमेशा हमें प्रेजेंट टेंस में डालना चाहिए, कि लाइक जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हो चुकी है। तो आप वैसे अफर्मेशन डालें और उसके साथ उस वाटर को पी भी सकते हैं, और चैंटिंग और बॉडी पार्ट पे तो लिखना ही है। ये कंटिन्यू आपको 43 डेज तक करना है, और फिर मुझे आप बताएं कि आपके लाइफ में जो भी मिरेकल्स हो रहे हैं वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। तो और अगर आपको अच्छा लग रहा है और इसमें आप एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।